हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जॉब इवेल्युएशन की क्लासिफिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस मेथड का नाम है क्लासिफिकेशन, यानी कि हर जॉब को हमें क्लासिफाइड करना है एक ग्रुप में। तो हर जॉब का हमें ग्रुप बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन में जो जो जॉब्स होगी उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होगी, प्रॉपर्टीज़ होगी, तो उनको हमें ग्रुपिज्म में बांटना है, ग्रुप में डिवाइड करना है। इट इज़ अ क्लासिफाइड इंटू ग्रुप्स इन ऑर्डर टू इवेलुएट दैम, यानी कि हर जॉब को हमें क्लासिफाइड करना है, उनका एक ग्रुप बनाना है और उनको इवेल्युएट करना है। तो उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ऑन अ बेसिस ऑफ स्किल रिक्वायरमेंट, उस जॉब की स्किल क्या होनी चाहिए, उस बंदे को क्या आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होना चाहिए, उनका इम्पोर्टेंस क्या होना चाहिए, और उसके साथ ही एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए उस जॉब के लिए। तो इतने क्राइटेरिया का हमें यूज़ कर जॉब का क्लासिफिकेशन करना है। एंड कई सारे जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो ऑर्गेनाइजेशन टू वेरी भी कर सकती है, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग भी हो सकती है। तो ऐसे भी ग्रुप हमें डिफाइन करना है। ऑल जॉब्स हैविंग द सेम पैरामीटर्स आर ग्रुप इन अ सिंगल ग्रुप, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा उनमें सेम पैरामीटर या कैरेक्टरिस्टिक वाइज जॉब प्रोफाइल होनी चाहिए। देन द वर्दीनेस ऑफ ईच ग्रुप, हमने ग्रुप में तो डिवाइड कर दिया पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जॉब प्रोफाइल को। नाउ पूरे ग्रुप में सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले ही बंदे होंगे, एम्प्लॉयज ही होंगे। जैसे कि HOD का एक ग्रुप हमने बनाया, सर्वेंट्स का एक ग्रुप बनाया, क्लार्क का एक ग्रुप बनाया, तो ये सारे पैरामीटर्स एक पर्टिकुलर ग्रुप वाइज सेम होंगे। ओके, एंड द वर्दीनेस ऑफ ईच ग्रुप, तो हर एक ग्रुप की कोई वैल्यू होगी, कोई इम्पोर्टेंस रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनके बेसिस पर उनको हमें ट्रांसलेट करना है इन द मनीटरी टर्म्स टू डिसाइड द वेज स्ट्रक्चर। तो ये सारे ग्रुप का हमें वेज स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, वो उनकी जो इम्पोर्टेंस रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो उन पर निर्भर करता है। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में वेज स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए हर एक बंदे का। जैसे कि सर्वेंट है, तो सर्वेंट के ग्रुप में जो सारे बंदे होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, उनका वेज या कह सकते हैं कि सैलरी सेम होनी चाहिए। नाउ हो सकता है कि एक्सपीरियंस वाइज उनके काम के वाइज वो बढ़े, बट एक ग्रुप में हमने डिफाइन किया है तो वहाँ पर वेज स्ट्रक्चर सेम ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द क्लार्क ऑफ द ऑफिस इन ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में क्लार्क रहेगा एज अ सेम फॉर जॉब स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया। तो उनका जो जॉब प्रोफाइल रहेगा हर एक डिपार्टमेंट में वो सेम ही रहेगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम ही रहेगी। सो इन ऑर्डर टू हैव अ सेम वेज स्ट्रक्चर, तो उस हर एम्प्लॉय का, हर क्लार्क का वेज या कह सकते कि सैलरी सेम होनी चाहिए। दे आर कंसिडर्ड इन अ वन ग्रुप, तो हर एक क्लार्क को एक ग्रुप में कंसिडर करना है और हर एक क्लार्क की सैलरी सेम रखनी है, उनके इम्पोर्टेंस वाइज उनको हमें वेज स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। नाउ एडवांटेजेस क्या है दिस मैथड, यानी कि ये क्लासिफिकेशन मैथड इन्वॉल्व सम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स या कह सकते हैं क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी स्किल क्या होनी चाहिए उस जॉब के लिए, इम्पोर्टेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक यहाँ पर दो चीज़ें नहीं इंक्लूड होगी कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, स्किल क्या होना चाहिए। तो ये दो चीज़ हमें उस जो रैंकिंग मेथड है उससे ये अलग है, ये दो फैक्टर्स अलग है। एंड इट इज़ मोर एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूड हुई है और उसके साथ ही स्किल, उस बंदे को, उस एम्प्लॉयज को वो काम आना भी चाहिए। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये मैथड है, इसको समझना ईजी है, क्योंकि हमारे पास जो क्राइटेरियाज हैं उनके बेसिस पर हमें वेज स्ट्रक्चर डिफाइन करना है और एक ग्रुप ही बनाना है। तो सारे एक सेम प्रोफाइल, सेम कैरेक्टरिस्टिक वाइज हमें बंदे को, एम्प्लॉयज़ को, एक सेम जॉब प्रोफाइल को एक ग्रुप कंसिडर कर लेना। तो बस उस ग्रुप का ही हमें सोचना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और उनकी वैल्यू के हिसाब से हमें वेज स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। एंड इट इज़ इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, इज अगर अप्लाई करना है तो वो भी इजी रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, हमें सारे बंदे को ग्रुप में डिवाइड करना है, उनका वेज स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है मेथड, नॉट सुटेबल फॉर
लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कोई, फिर भी यहाँ पर फोर स्टैंडर्ड पैरामीटर्स वाइज किसी एक डिपार्टमेंट को चूज नहीं किया गया, उनके ग्रुप्स ही बनाए हमने यहाँ पर। तो कोई स्टैंडर्ड फैक्टर्स अभी ही भी ये मेथड में नहीं है जो कि हम लार्ज जो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लगा सकते। एंड द लैग्स टू डेवलप द स्टैंडर्ड वेज स्ट्रक्चर फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर ये कमी है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, कि वेज स्ट्रक्चर नहीं है कि हम बड़ी कंपनी या बड़ी इंडस्ट्री को अप्लाई कर सके। सो ऑल द बेस्ट गाइज, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन मेथड।